अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। हम लोग रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसानात के इक्तिबासात की जो है तशरीह कर रहे हैं और उनकी वजाहत को समझ रहे हैं। अब हम अपने इक्तिबास की तरफ आ जाते हैं, इक्तिबास नंबर 8 जिसका आगाज़ हो रहा है। इस बात से ये ना समझना चाहिए कि जो लोग इस तरह पर रसूमात को बजा लाते हैं वो अपनी ख्वाहिश और मर्ज़ी से इन रसूमात को और चीज़ों पर तरजीह देते हैं। तरजीह का मतलब होता है फौकियत देना, यानी इस बात से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो लोग रसूमात की पाबंदी, रस्म और रिवाज की पाबंदी जो है वो कर रहे हैं तो उसमें उनकी अपनी मर्ज़ी शामिल है, उनकी अपनी पसंद शामिल है या उनकी अपनी ख्वाहिश शामिल है और इन चीज़ों पर तरजीह देते हैं। और अब वो किन चीज़ों पर फौकियत दे रहे हैं, यानी अपनी पसंद और यानी ख्वाहिश को पसे पुश डाल कर किन चीज़ों पर फौकियत दे रहे हैं, तरजीह दे के पसंद करते हैं, यानी अपनी उन्होंने जो ख्वाहिश है और अपनी जो उनकी पसंद थी उसको उन्होंने पसे पुश डाल दिया, छोड़ दिया, तर्क कर दिया और रस्म व रिवाज की पाबंदी को इख्तियार कर लिया। हकीकतन क्या है, ऐसा हकीकत में नहीं है। इन लोगों को बजुज़ ऐसी बात के जो रस्मी होती है और किसी बात की ख्वाहिश करने का मौका या इत्तफाक नहीं होता और इसलिए तबीयत खुद मुतहम्मिल और मुती रस्मों की पाबंदी की हो जाती है। क्या होता है, जब हम अपनी खासियत को, अपनी खूबी को इस्तेमाल नहीं करते तो मैंने आपको बताया था कि वो क्या होती है, एक बार ऐसा ऐसा करके वो मुरझाने लगती है, मांद पड़ने लगती है और एक वक्त आता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। अब क्या होता है, ये लोग जो रस्म व रिवाज की पाबंदी को यानी जो है अपनाए हुए हैं, अपनी ख्वाहिश को और सब चीज़ को जो है वो छोड़कर, तो वो लोग क्या करते हैं कि किसी बात की ख्वाहिश करने का उन्हें मौका ही नहीं मिलता। अब अगर वो चाहें भी कि अपनी ख्वाहिश को वो इख्तियार कर लें या वो किसी चीज़ को इसके अंदर जो है मज़ीद इजाफ़ा कर लें तो वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी तबीयत, उनका मिजाज इस काबिल नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सके। यानी उनके मिजाज में अब वो बात ही नहीं रह गई कि वो जो है किसी नई चीज़ को जो है वो मज़ीद इस्तेमाल कर सकें या उसके अंदर, क्योंकि वो मुती हो गए। मुती कहते हैं फरमाबरदार को, ठीक है, अब वो रस्म व रिवाज के मुती हो गए, रस्म व रिवाज के जो हैं वो फरमाबरदार बन गए या उसकी वो इताअत करने लगे। यहाँ तक कि जो बातें दिल की खुशी की करने की होती हैं इनमें भी वो औरों के मुताबिक काम करने का ख्याल अव्वल दिल में आता। अब क्या होता है, जो हमारे अपने पसंद की खुशी की बातें हैं यानी जिनसे हम खुश होते हैं, ज़ाहिर ख्वाहिश क्या होती है, ज़ाती ख्वाहिश क्या होती है, वो होती है जिससे इंसान खुशी महसूस करता है, जिसको करने में उसको ज़्यादा खुशी महसूस होती है और वो बड़े बढ़ चढ़ के उस अमल में जो है हिस्सा लेता है। लेकिन जब हम इख्तियार ही नहीं कर रहे हैं ना, हम रस्म व रिवाज की पाबंदी तमाम चीज़ों को छोड़ कर इख्तियार कर रहे हैं तो फिर ऐसे लोगों की एक तो आदत क्या हो गई कि अब वो इस काबिल ही नहीं रहे कि वो अपनी जो है वो ख्वाहिश को इस्तेमाल कर सकें। और इसके अलावा वो क्या है, जब उन्हें मौका भी मिल जाता है, मतलब फ़र्ज़ कीजिए ऐसा भी मौका उनके पास आ गया कि अब वो अपनी पसंद को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिश का जो है वो इजहार कर सकते हैं, नहीं करते। क्यों नहीं करते, लोगों की पसंद। अब अपनी छोड़ दी उन्होंने, अब कह रहे हैं कि अगर हमने ये वाली रस्म छोड़ दी तो लोग क्या कहेंगे। हमारे यहाँ आम बात है ना ये, तो हम आम अपने माशरे में ही अपने इर्द गिर्द ही इस चीज़ का मुताला मुशाहिदा कर सकते हैं ना, हमें ये चीज़ खुद ही नज़र आ जाती है, हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना हम किसी और सैारे की मखलूक की बात करें, ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप और मैं गुजरते रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि यानी कहते हैं हम दूसरों की पसंद के लिए कर रहे हैं, ठीक है, हकीकत में उनके दिल में क्या ख्वाहिश होती, वो चाहते हैं कि उन्हें वो, लेकिन वो अब इस काबिल ही नहीं कह रहे नहीं क्योंकि दूसरे खुश हो रहे हैं ना, इसलिए हम इस रस्म पे जो है वो इसको इख्तियार करे रहेंगे। अगला आगे वो क्या कह रहे हैं कि वो सिर्फ ऐसी बातों को गर्ज़ इनकी पसंद वही होती है जो आम बहुत से लोगों की होती है, ठीक है, यानी वो अपनी पसंद उन्होंने छोड़ दी। अब उन्होंने ये कहा कि नहीं क्योंकि लोग पसंद कर रहे हैं ना तो अब हमारी पसंद वही होगी जो लोगों की पसंद है। उसके बाद बहुत से वो सिर्फ ऐसी बातों को पसंद करने पर रागिब होते हैं जो बहुत से लोगों की होती है, ठीक है, वो सिर्फ जो आम पसंद हो और मजाक और असली सलीका जो रस्म व रिवाज के मुताबिक ना हो, इससे ऐसी ही गुरेज की जाती है जैसे कि जुर्मों से। अब क्या मतलब हुआ, यानी जो आम चीज़ों से हटकर है जिसमें उनको अपना मजाक कहते हैं, अपना मिजाज, मजाक वो वाला मजाक नहीं जो हम हंसी मजाक करते हैं, मतलब जो चीज़ ऐसी बातों को पसंद करने की जानिब वो रागिब हो जाते हैं, चले जाते हैं, तरगीब हासिल कर लेते हैं जो कि आम होती हैं, जो सबको पसंद है,
ठीक है, जो चीज़ सबको पसंद है वो उनकी पसंद बन गई, जो उनके अपने मिजाज की चीज़ होनी चाहिए, जो उनका असली, देखें सलीका क्या है, तरीका, सलीका कहते हैं तरीके को, अगर उस रस्म को इख्तियार भी किया गया है फ़र्ज़ कीजिए, तो अगर उसे तरीके से इख्तियार कर लिया जाए अपनी पसंद, अपने मिजाज, अपने हालात, अपने तकाज़ों के मुताबिक, तो क्या होगा कि वो ये करेंगे ही नहीं, और वो इसी तरह उससे गुरेज़ करेंगे, गुरेज़ का मतलब है बचेंगे, दूर भागेंगे, जैसे जुर्म से भागते हैं, जराइम से भागते हैं, जैसे हम जराइम से अपने आप को बचाते हैं ना कि हमसे कोई जुर्म ना हो जाए, इसी तरह से वो लोग जो हैं अपने आप को यानी रस्म व रिवाज की पाबंदी ना करने के जुर्म से, यानी क्या समझते हैं कि अगर हमने नहीं अमल किया तो ये जुर्म हो जाएगा, जैसे यहाँ तक कि अपनी ख़ास तबीयत की पैरवी ना करते करते इनमें अपनी तबीयत ही बाकी नहीं रहती, ठीक है ना। जब हम, मैंने आपको क्या बताया था, जब हम एक चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे वो जंग से भर जाएगी, और फिर एक वक्त आएगा कि वो बिल्कुल ही मिट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो वो पहले तो हमारी सलाहियतें जंग आलूद हो गई, फिर हमने उनको इख्तियार ही नहीं किया, तो अब क्या हुआ, वो मिट गई। इनकी ज़ाती कुव्वतें बिल्कुल पुर मुजदा और बेकार रहने के सबब बाकुलियतन ज़ाया हो जाती हैं, ठीक है। बाकुलियत इनका मतलब होता है मुकम्मल तौर पे। अब क्या हुआ, मैंने जैसे आपको बताया कि उनकी वो जो बिल्कुल सलाहियतें थीं जिनको उन्होंने इख्तियार ही नहीं किया, पहले वो मांद पड़ी, उसके बाद क्या हुआ, वो बेकार हुई, और आखिर में वो क्या हुई, मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो गई। यानी जो अल्लाह ने हमें एक सलाहियतों से नवाजा था, ठीक है, और जिनका कोई मुतबादल दुनिया में नहीं है, ये याद रखिए, दुनिया में मुतबादिल किसी भी चीज़ का नहीं है, जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को जो चीज़ें भी अता की हैं उनका कोई मुतबादिल नहीं है, तो वो क्या हुआ, अब वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, ज़ाया हो गई, और वो शख्स अपनी दिली ख्वाहिश करने और ज़ाती खुशी उठाने के काबिल नहीं रहता। अब क्या वक्त आएगा, अब वो ऐसा शख्स जो पाबंदी कर रहा है बहुत ज़्यादा रस्म की, अब वो इस काबिल नहीं रहेगा कि कभी अगर उसे यानी ये मौका भी मिले कि वो अपनी ख्वाहिश को इख्तियार कर ले, नहीं कर सकेगा, ठीक है। अब गौर करना चाहिए कि इंसान की ऐसी हालत कैसी हो सकती है, अच्छी होगी, नहीं होगी ना ऐसी हालत अच्छी, यकीनन ये हालत जो है वो बुरी हुई। तो अब हम एक छोटा सा नुकात का जायज़ा ले लेते हैं, देखें अपनी पसंद और ख्वाहिश के मुताबिक रस्म को अपनाएं, ठीक है। दूसरा क्या, अपनी पसंद या ख्वाहिश को छोड़कर पाबंदी रस्म करना जो है वो अपने लिए बेहतर नहीं है, यानी ख़ुद को ही हम समझते हैं कि ये हमारे लिए बेहतर नहीं है, पाबंदी ना करना जुर्म नहीं है, हम समझते हैं कि ये जुर्म है, ये अच्छी हालत नहीं है, यानी जो हालत है आखिर में ये जो आपको मैंने पूरी समझाई है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सर सैयद अहमद ख़ान ने कितने अच्छे दलाइल से जो है इस बात को मज़ीद वाज़े किया। अब हम चलते हैं अपने नवे इक्तिबास की तरफ, जिसका आगाज़ होता है रसूमात जो मुकरर हुई गालिबन उस ज़माने में जबकि वो मुकरर हुई। मुकरर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का तायुन करना, मुकरर करना, उसको अपनाना, मुफीद तसव्वुर की गई हूँ मगर इस पर भरोसा करना कि दर हकीकत वो ऐसी थी, महज़ गलती है। देखें हर रस्म, हर रसूमात, हर रिवायत कहीं ना कहीं उसका आगाज़ हुआ, किसी ना किसी ने उसका आगाज़ किया, किसी फ़र्द वाहिद ने, किसी ख़ानदान ने, किसी कबीले ने, किसी जमात ने, किसी मखसूस ग्रोह ने, किसी मखसूस कौम ने, ठीक है। ये मैंने सारे नाम ले दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो ये रस्म इख्तियार की गई उस दौर के अंदर, पुराने दौर के अंदर, तो वो क्या हुआ, वो उस दौर के अंदर अगर मुफीद थी, ठीक है, उस दौर के अंदर मुफीद थी, तो अगर हम ये सोच रहे हैं, हमारे जहन में ख्याल आ रहा है कि वो आज के दौर के लिए भी मुफीद है और हमें इसीलिए इसको अपना लेना चाहिए, तो ये क्या है, बिल्कुल गलत ख्याल है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत हमारा ख्याल है, इसे हमें छोड़ना होगा। मुमकिन है कि जिन लोगों ने इनको मुकर्रर किया इनकी राय में गलती हो, देखें ऐसा भी तो मुमकिन है ना, देखें ये भी तो इंसानों ने काम किया है ना, कि जब वो रस्म बनाई गई, जब उसको अपनाया गया या रसूमात बनाई गई, तो जिसने इसका आगाज़ किया, जैसे मैंने आपको नाम लिया, फ़र्द, ख़ानदान, कबीला, जो भी हम उसे नाम दे रहे, कौम, तो हो सकता है कि क्या हो, उसकी अपनी राय, या तो उसने अपनी राय का इस्तेमाल किया, उसकी राय गलत भी तो हो सकती है, बाज़ औक़ात देखें दुनिया में क्या होता है, राय का कहते हैं ना कि एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है, ठीक, तो हो सकता है कि उसकी राय जो है वो गलत हो, या उसने अपनी राय कायम करने में, उस चीज़ को बनाने में, उस रस्म को बनाने में, उसे मुकरर करने में ख़ुद गलती कर दी हो, देखें वो भी इंसान है, इनका तजर्बा सही ना हो। दूसरे नंबर पे क्या हो सकता है, एक आपको ये बताया तरीका, दूसरा तरीका क्या है,
उसका अपना ज़ाती तजर्बा, यानी अगर एक चीज़ जो मैं जिसे फ़र्ज करें कोई रस्म अपना रही हूँ और उस रस्म को अपनाने में मेरा तजर्बा जो था वो तल्ख हो गया, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं उस तल्ख तजर्बे की वजह से उस चीज़ यानी उस रस्म की पाबंदी में इस तल्ख तजर्बे को शामिल कर दूँगी और कहूँगी ये काम ना करना, ये ऐसा हो जाएगा, वो मेरा अपना जबकि ज़ाती तजर्बा है। ठीक है, अगर कोई और अपना है हो सकता है उसका अच्छा तजर्बा आ जाए, आगे क्या इनका तजर्बा नहायत महदूद हो। फिर एक तो ये कि तजर्बा गलत हो सकता है, दूसरे नंबर पे महदूद हो, महदूद वक्त के लिए, महदूद मुद्दत के लिए, महदूद जगह के लिए, हर चीज़ महदूद हो सकती है ना। वक्त उस वक्त तक के लिए था कि भाई जब ये वक्त गुजर गया अब ये वाला काम नहीं चलेगा, उस जगह के लिए जिस जगह वो रस्म इख्तियार की जा रही थी वहाँ के हालात क्या थे, वहाँ के लोग कैसे थे, किसी कबीले के लिए बना था तो वो उसी कबीले के लिए था, किसी मखसूस ख़ानदान के लिए कोई रस्म थी तो वो उसी रस्म उसी ख़ानदान के लिए थी, उसमें ये यानी सलाहियत नहीं थी कि वो सबके लिए है, तो उसका मतलब क्या है कि वो महदूद है। इसका एक इसकी एक खामी ये आई, सिर्फ चंद अशखास से मुतालिक हो, या ये भी हो सकता है कि जो रस्म बनी है वो सिर्फ चंद लोगों के लिए हो, सबके लिए ना हो, एक ख़ानदान के लिए, एक कबीला, एक जमात, एक ग्रोह के लिए हो, किसी एक मखसूस कौम के लिए हो, सबके लिए ना हो, एक मतलब मैंने आपको जिस तरह बताया, या इस तजर्बे का हाल सही सही बयान ना हुआ हो, यानी जिसने ये तजर्बा बयान किया, क्योंकि देखें रस्म रिवाज जो है कहीं लिखी भी नहीं होती, याद रखिएगा रस्म रिवाज हमेशा सीना ब सीना नसल दर नसल आगे बढ़ती हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना, हम अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं, हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि ऐसा होता है तो हमें भी ये अपनाना पड़ेगा, तो इस तरह से रस्में बनती हैं। तो क्या हो सकता है कि ये हो सकता है कि वो जो तजर्बा उनका था उसमें क्या खामियां थी, वो खामियां उस वक्त दूर नहीं की गई, उन्हीं खामियों के साथ वो रस्म आगे ही बढ़ती रही, ज़माना बदलता रहा, वक्त बदलता रहा, लेकिन उस रस्म के यानी जो उसके अंदर खामी रह गई वो खामी उसी तरह रही और उसको वैसे ही अपना लिया गया, या वो रस्म उस वक्त और उस ज़माने में मुफीद हो। देखिए ना, एक ये भी तो बात हो सकती है कि वो रस्म उस ज़माने के लिए थी, आज के दौर के लिए वो रस्म नहीं है, आज हम उसको इख्तियार नहीं कर सकते, आज हमें उससे इख्तियार करने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, वो उस दौर के लिए था, इल्ला हाल के ज़माने में मुफीद ना रही हो। देखिए, अब मैं आपको इससे इसकी बड़ी अच्छी सी मिसाल दे सकती हूँ, जैसे हम कहते हैं ना ख़त, ख़त निगारी, खतूत निगारी, पहले ज़माने में लोग ख़त लिखते थे, आज ख़त नहीं लिखते, आज हम सबके पास मोबाइल्स मौजूद हैं, हम न सिर्फ बात कर लेते हैं बल्कि हम मैसेज कर लेते हैं, पैगाम दे देते हैं, और कई तरीके हैं पैगाम देने का, तो अब उस पर अगर कोई रस्म बन गई तो वो रस्म हम कहें कि भाई आज भी हमें यही इख्तियार करेंगे, हम तो यही करेंगे, हम तो इस चीज़ को नहीं मानते, तो क्या मतलब है कि ये गलत है। उसके बाद इल्ला हाल के ज़माने में मुफीद ना रही हो, इल्ला कहते हैं सिवाय को, यानी आज के हाल के लिए, आज के मौजूदा वक्त के लिए जो है वो फ़ायदेमंद ना हो, बल्कि मुज़िर हो, बल्कि क्या हो सकता है उससे कोई नुकसान ही हो जाए, फ़ायदा ना हो बल्कि और उल्टा नुकसान हो जाए, या वो रस्म जिन हालात में कायम की गई, यानी कोई ऐसे हालात थे, मखसूस हालात थे, कोई जंग हो रही थी, कोई उस वक्त कोई वबा फैल गई थी, एक मिसाल दे रही हूँ मैं, ठीक है, कई तरह की मिसालें हो सकती है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपके जहन की जो यानी चीज़ें आप में आ रही हैं उन चीज़ों को दूर करने के लिए कि भाई एक मैंने मिसाल दे दी कि भाई चलें उस वक्त हालात मखसूस थे, आज वो हालात नहीं है, ठीक है, तो वो उस वक्त के लिए, लेकिन हमने तो रस्म को वैसे ही अपना लिया ना अंधों की तरह, हमने तो उसकी वो चीज़ देखी नहीं है कब के लिए क्या थी और किसका क्या था। अब क्या हुआ, किसी शख्स की वो हालत ना हो, यानी आज जो आप लोगों ने उसको अपनाया, जिस दौर में उसको लोगों ने अपनाया था फ़र्द वाहिद ने या इज्तमाही तौर पर, तो उस दौर में उनकी वो हालत थी लेकिन आज वो हालत नहीं है। गर्ज के मुख्तसर ये कि रस्मों की पाबंदी में उब्तला रहना हर तरह से नुकसानदेह, यानी रस्म की पाबंदी अगरचा अच्छी चीज़ है लेकिन एक दायरे के अंदर जो है वो अच्छी है, लेकिन अगर सिर्फ हम रस्म ही की पाबंदी को अगर इख्तियार किए रहेंगे और तमाम चीज़ों को पसंद नापसंद खसूसियात इन सबको पसे पुश डाल देंगे तो फिर क्या होगा, वो किसी तौर भी हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है, फ़र्द वाहिद के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है और किसी जमात या ग्रोह या कौम के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है, और ये नुकसान तो ज़रूर है। अगर कुछ भी नहीं है ना, चलें आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं समझ में आती ना, तो सर सैद ने क्या कहा, एक काम तो हो रहा है और वो क्या काम हो रहा है, वो क्या नुकसान हो रहा है, आदमी की अकल और दानिश और जौदत तबाह। ठीक है, जौदत तबाह का मतलब होता है तबीयत की तेज़ी या ज़हानत। ठीक है, यानी हमारी तबीयत हमारा मिजाज किस तरह का है, अल्लाह ने हमें क्या खसूसियात से नवाजा है उसको कहते हैं, या हम अपनी ज़हानत को कैसे बढ़ा सकते हैं। जौदत तबाह और कुव्वत इजाद बातिल हो जाती है, यानी जो अल्लाह ने हमें इजाद की कुव्वत हर बंदे को दी है,
ठीक है, ज़रूर। मैं यहाँ वो वाली ईजाद की बात नहीं कर रही जो हम चीज़ें ईजाद करते हैं, मतलब किसी मसले का जो फौरी हल तलाश करते हैं, वो हम सबके पास है, तो वो कुव्वत हमने क्यों नहीं इस्तेमाल ही नहीं कर रहे ना। हम तो रस्म और रिवाज की पाबंदी को इख्तियार किए हुए, तो नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हम अपनी इस कुव्वत से जो है वो यानी बिल्कुल ही फारिग हो जाएंगे। अब एक छोटा सा जायज़ा ले लेते हैं कि जब ये रस्में मुकर्रर हुई आज भी मुफीद नहीं, गलत हैं, यानी आज अगर हम उन्हें अपना रहे हैं तो ये आज के दौर के लिए सही नहीं है। लोगों की अपनी राय, अब इसमें गलत क्यों है इस पर उन्होंने कहा है कि इसमें लोगों की अपनी राय गलत थी या सही थी, उनकी अपनी पसंद थी या नहीं थी, उन्होंने गलती की, उनका तजर्बा दुरुस्त नहीं था, ठीक है, वो रस्म उस ज़माने के लिए थी, आज के लिए नहीं है। उसके बाद रस्मों की मुसलसल पाबंदी से मिजाज और तबीयत की खासियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और आखिर में क्या होता है, जो हमें अल्लाह ताला ने कुव्वत इजाद अता की है, जो हम सबके अंदर जो एक यानी एक क्या कहना चाहिए कि तखय्युल का और तख्लीक का जो मादा है, कोई भी मसले को हल करने का, आसान कह लीजिए किसी मामले को सुलझाने का, किसी बात को समझने का, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो इक्तिबास था वो भी आज मुकम्मल हो गया, और अब हम जो जब हम अपना आगे लेक्चर शुरू करेंगे तो हमारा लेक्चर इंशाल्लाह ताला दसवें इक्तिबास से इसका आगाज़ होगा। मैं इस बात की उम्मीद करती हूँ कि जितने आपने अभी तक इक्तिबास पढ़े हैं उनकी बहुत अच्छी तफहीम, उनकी बहुत अच्छी वजाहत आप तक पहुँची होगी, और आप मज़ीद मुताले के ज़रिए इस सबक का मुताला करेंगे और जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उनको आप समझने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। Thank you.